वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 6000 मासिक करने को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन सभा। बूढ़ों दिव्यांगों को सम्मानजनक जीने लायक पेंशन देने की जो सरकार बात करेगा वह सत्ता पर राज करेगा। वरिष्ठ नागरिक को टिकट आरक्षण में पूर्ववत छूट देने की प्रावधान चालू किए जाए। डीएमयू ट्रेन मानसी से पटना आलोली जमालपुर तक जल्द चलाए जाए। घोषणा अनुसार सभी प्रखंडों में वृद्धा आश्रम खोले जाए। वृद्ध एवं दिव्यांगों के सवालों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन पटना में जल्द होगी। जन संघर्ष अभियान एवं रेलवे उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले उत्तरी रेलवे जंक्शन परिसर में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 6000 मासिक चालू करने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन सभा किया गया, जिसकी अध्यक्षता उमेश ठाकुर ने किया। सभा का सफल मंच संचालन करते हुए देश बचाओ अभियान बचाओ के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने कहा कि जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 6000 मासिक बढ़ोतरी करने की बात करेगा, वृद्धों को सम्मान की बात करेगा और सहायों को सहायता प्रदान करने की बात करेगा, वही केंद्र एवं बिहार की सत्ता पर राज करेगा। श्री यादव ने कहा कि विभिन्न राज्यों राजस्थान यूपी हरियाणा आदि में लगभग 2000 से 5000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है, वहीं बिहार सरकार मात्र 400 रुपये मासिक पेंशन देती है, वह भी दो दो साल से लंबित है। वहीं 80 वर्षों के बूढ़ों को 500 महीना है, वह भी दो वर्षों से लंबित है। उक्त परिस्थिति में महंगाई के मद्देनजर सम्मान पूर्वक जीने हेतु सामाजिक सुरक्षा के तहत 6000 रुपया मासिक पेंशन सरकार द्वारा वृद्धा विधवा दिव्यांगों को पेंशन चालू करना चाहिए, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन तेज होगा। मुख्य वक्ता अभियान के संयोजक सुभाष चंद्र जोशी ने कहा कि कोरोना काल से बंद सीनियर सिटीजन पुरुष को 40% एवं महिला को 50% टिकट रिजर्वेशन में छूट देने की प्रावधान पुनः चालू किए जाए। उमेश ठाकुर एवं देश बंधु आजाद ने कहा कि मानसी खगड़िया से डीएमयू ट्रेन पटना तक एवं जमालपुर तक चलाई जाए। अलोली ट्रेन रूट में जल्द सवारी गाड़ी चालू किए जाए। चौकीदार दफेदार संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष संजय केसरी ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन सभा किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में मधुबाला बाल कृष्ण कुमार राम समुचित पासवान शंभू राम मदन सदा उद्यमी पोदार पुलकित गोस्वामी आदि ने घोषणा अनुसार सभी प्रखंडों में वृद्धाश्रम खोलने सहित 21 सूत्री मांगों पर सरकार एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल्द पूरा करने की मांग किया।